लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे ऑनलाइन इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी राजनीति विज्ञान विषय के साथ कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, TGT, PGT, UC, NET JRF या RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, भारत का संविधान, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आज पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यूनानी राजनीतिक चिंतक, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतक और आधुनिक राजनीतिक चिंतक। यूनानी चिंतकों में 2 चिंतक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, एक का नाम प्लेटो है और दूसरे का नाम अरस्तो। प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ किया गया, परंतु प्लेटो राजनीति विज्ञान का पिता नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्लेटो के द्वारा नीति शास्त्र विषय के अंतर्गत ही किया गया था, जबकि नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को पृथक और स्वतंत्र विषय का दर्जा देने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया, इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। खैर, हम लोगों के आज के टॉपिक का नाम है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को भी पढ़ने से पूर्व आपको एक बात समझना है कि आखिर प्लेटो यूनान का चिंतक है, लेकिन प्लेटो का आखिर उद्देश्य क्या था, क्योंकि अपने उसी उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। प्लेटो का उद्देश्य है तत्कालीन यूनान के बिगड़ते हुए हालात से निकाल करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो का उद्देश्य है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। इसका भी मूल कारण यह था कि तत्कालीन यूनान में, जिस समय प्लेटो के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया जा रहा था, तत्कालीन यूनान में कुछ समस्याएं थीं। उन समस्याओं में 3 समस्याएं मुख्य थीं। पहली समस्या थी राजनीतिक अस्थिरता की। दूसरी समस्या थी अशिक्षा की। और तीसरी समस्या थी भ्रष्टाचार की। राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसलिए हमारी परीक्षा में आपको सवाल पूछा जाता है कि प्लेटो के द्वारा जिस न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, उसका उद्देश्य क्या था। तत्कालीन यूनान में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना। अशिक्षा को खत्म करने के लिए प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्लेटो के द्वारा साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लेकिन इन 3 सिद्धांतों में प्लेटो का न्याय सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बात आपने समझ लिया कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उद्देश्य है राजनीतिक अस्थिरता को खत्म कर लेना। राजनीतिक अस्थिरता का मूल कारण था कि एक व्यक्ति जिस काम के लिए योग्यता नहीं रखता था, वह उसी काम को करने का प्रयत्न करता था और दूसरे व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप करता था। प्लेटो ने इसको समाप्त करने के लिए अपनाया कि जिस प्रकार से प्रकृति में सामंजस्य का
एवं प्रकृति में सामंजस्य एवं कार्य विशेषीकरण पाया जाता है, उसी प्रकार से यदि अन्याय सिद्धांत को क्रियान्वित कर दिया जाए तो तत्कालीन यूनान के राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हुआ कि प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना है, और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। न्याय सिद्धांत के ऊपर प्लेटो ने इतना अधिक बल दिया है कि उसके द्वारा लिखित पुस्तक रिपब्लिक को गणराज्य के साथ साथ न्याय का दोहरा शीर्षक भी प्रदान किया गया। इसीलिए रिपब्लिक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस के नाम से संबोधित किया जाता है कि यह एक कंसर्निंग ऑफ जस्टिस है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब यहाँ प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन यूनान में व्याप्त न्याय के कुछ सिद्धांतों का परीक्षण किया गया। ऐसा परीक्षण इसलिए किया गया क्योंकि प्लेटो मूलतः आदर्शवादी चिंतक है, और आदर्शवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें वास्तविकता का विभाजन किया जाता है, और यह विभाजन दो में होता है, एक को यथार्थ कहते हैं और दूसरे को आदर्श कहते हैं। यथार्थ का अर्थ है जैसा है, जबकि आदर्श का अर्थ होता है जैसा होना चाहिए। प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन में आदर्शवाद के इसी मूल तत्व को अपनाया गया, और अपनाते हुए सर्वप्रथम प्लेटो ने तत्कालीन यूनान में व्याप्त न्याय सिद्धांत का परीक्षण किया गया। तत्कालीन यूनान में व्याप्त न्याय सिद्धांत का परीक्षण किया गया और परीक्षण के बाद उसके गुण दोष को देखने के उपरांत प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तत्कालीन यूनान में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो तत्कालीन यूनान में न्याय के मूलतः तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। एक का नाम है परंपरागत, दूसरे का नाम है उग्रवादी सिद्धांत, और तीसरे का नाम है व्यवहारवादी सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में दो चिंतक आते हैं, एक का नाम है सिफालस और दूसरे का नाम है पोलेमार्कस। उग्रवादी में आता है थ्रेसीमेकस, और व्यवहारवादी में आता है ग्लाकन। यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर इन लोगों ने न्याय के संदर्भ में कौन कौन सी बात कहा, और प्लेटो ने जब परीक्षण किया तो परीक्षण के दौरान क्या पाया, और किन आधारों पर इनके विचार का उसने खंडन करके तब अपने न्याय सिद्धांत की बात करना शुरू किया। आसिफालस और पोलेमार्कस सोफिस्ट चिंतक हैं, ये तत्कालीन यूनान के सोफिस्ट विचारक हैं, और सोफिस्ट विचारक का संबंध है वर्तमान के उदारवाद से।
सिफालस के द्वारा कहा गया कि सत्य बोलना और कर्ज चुकता करना न्याय है। सत्य बोलना और कर्ज को चुकता करना न्याय है। प्लेटो के द्वारा जब सिफालस के इस बात का परीक्षण किया गया तो उसने पाया कि सत्य बोलना और कर्ज चुकता करना हर समय न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि यह धारणा सापेक्ष अवधारणा है, कोई निरपेक्ष अवधारणा नहीं है। उसने एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया कि सत्य बोलकर अपने देश के गोपनीय और महत्वपूर्ण दस्तावेज की जानकारी शत्रु देश को दे देना यह कभी भी न्याय न होगा। दूसरी तरफ यदि किसी स्वस्थ चित्त का व्यक्ति प्राणघातक हथियार को किसी को देता है परंतु वह विकृत चित्त का हो जाता है और वापस मांगता है, तब उसे लौटा देना भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि संभावना इस बात से रहेगी कि उस प्राणघातक हथियार से वह अपनी हत्या कर ले। प्लेटो के द्वारा कहा गया कि सिफालस का कथन पूर्णतया पूंजीवाद पर आधारित है, यह केवल निजी हितों पर आधारित है, इसलिए यह न्याय नहीं होगा, क्योंकि न्याय का उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है। दूसरा चिंतक है पोलिमार्कस, जिसके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार ही का के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार ही न्याय कहलाता है। प्लेटो ने इस बात का जब परीक्षण किया तो उसने कहा कि उचित शब्द अपने आप में ही संदेहपूर्ण है, क्योंकि क्या उचित है क्या अनुचित है यह कहना तर्कपूर्ण नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पोलिमार्कस का यह कहना कि अच्छे के साथ अच्छाई करना और बुरे के साथ बुराई करना यह पूर्णतया बदले के सिद्धांत पर आधारित है और न्याय बदले के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। इसके बाद आता है उग्रवादी चिंतक थ्रेसिमेकस, इसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित होता है। न्याय शक्तिशाली का हित है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जो लोग समाज और राज्य में शक्तिशाली होते हैं उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति हेतु कानून का निर्माण किया जाता है, व्यवस्था बनाई जाती है और उसी का पालन करना ही न्याय होता है। और सामान्य साधारण मनुष्य की दृष्टि से भी है कि कानून का पालन करना न्याय है। इसी आधार पर थ्रेसिमेकस ने कहा कि अन्याय न्याय की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। प्लेटो ने इस बात का खंडन किया, उसने कहा कि न्याय का उद्देश्य निजी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि न्याय कला है और कला में सार्वजनिक हित की भावना का पाया जाना आवश्यक है। इसलिए थ्रेसिमेकस का यह कथन कि न्याय शक्तिशाली का हित होता है तर्कपूर्ण नहीं है। व्यवहारवादी चिंतक में ग्लाकन का नाम आता है और ग्लाकन ने कहा कि न्याय भय की संतान है। न्याय क्या है? भय की संतान है। भय की संतान का आशय ग्लाकन ने यह बतलाया कि जो लोग कमजोर होते हैं उन्हीं के द्वारा न्याय की आवश्यकता का अनुसरण करते हुए आपस में मिलकर समझौता किया जाता है और उसी समझौते के द्वारा न्याय का निर्माण होता है। इसलिए न्याय भय की संतान है और यह निर्बलों की आवश्यकता है, तथा अन्याय का अगर सामना करना हो तो हम देखते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जिसे सर्वाधिक कमजोर व्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ग्लाकन के इस बात का प्लेटो के द्वारा अध्ययन किया गया और प्लेटो ने इस बात का खंडन किया कि न्याय
और न तो बाह्य जगत की वस्तु है और न ही यह कोई कृत्रिम वस्तु है, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया था। प्लेटो ने कहा कि न्याय को बाह्य जगत की वस्तु कहना उपयुक्त नहीं है और यह कृत्रिम वस्तु भी नहीं है, बल्कि न्याय अंतर्मन की वस्तु होता है। इस प्रकार से तत्कालीन यूनान में प्रचलित न्याय के तीनों सिद्धांतों का प्लेटो के द्वारा परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इनके दोषों को उजागर किया और उजागर करने के बाद आप प्लेटो के द्वारा न्याय सिद्धांत का विवेचन करना प्रारंभ किया गया। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आप बात करें, सबसे पहले आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि आखिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की परिभाषा क्या है, जिस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में आता है। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निश्चित स्थान पर निश्चित कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। अब प्लेटो ने इस बात को कहने के बाद आप बतलाने का प्रयास किया कि अगर राज्य में न्याय को समझना है तो पहले व्यक्ति में न्याय को समझना होगा, क्योंकि वास्तव में राज्य केवल प्रत्ययों की प्रतिच्छाया मात्र है, तो इसलिए सबसे पहले कामन चीज को जानना अनिवार्य होगा। प्लेटो के द्वारा इसी प्रत्ययवादी अवधारणा के अंतर्गत आदर्शवाद के मूल सिद्धांत को ग्रहण करते हुए न्याय के मूलतः दो पक्ष बतलाए। और कहा कि एक न्याय व्यक्तिगत न्याय होता है और दूसरा न्याय सामाजिक न्याय होता है। एक व्यक्तिगत न्याय है और दूसरा सामाजिक न्याय है। व्यक्तिगत न्याय को समझाने के लिए प्लेटो के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण होते हैं। ना एक गुण होता है बुद्धि का, दूसरा है साहस का और तीसरा गुण है तृष्णा का। इन तीनों में समन्वय का पाया जाना व्यक्तिगत न्याय कहलाएगा। प्लेटो के द्वारा इस बात को कहा गया था कि किसी भी विचारधारा का जन्म ओक या चट्टान से नहीं होता है, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और प्लेटो का यह कथन यहाँ पर सत्य बैठता है कि इसने न्याय के दो अपक्ष या आयाम बतलाए। व्यक्तिगत न्याय में कहा कि एक व्यक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा। यह तीनों में उचित समन्वय है तो व्यक्तिगत न्याय होगा। और इसी के समानांतर समाज में जिनमें बुद्धि तत्व की अधिकता होगी वह शासक वर्ग होगा, जिसमें साहस की अधिकता होगी वह सैनिक वर्ग होगा, और जिसमें तृष्णा की अधिकता होगी वह उत्पादक वर्ग होगा। इन तीनों वर्गों में उचित समन्वय एवं सामंजस्य से ही सामाजिक न्याय होगा। इसका अर्थ यह है कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने काम को करे और किसी अन्य वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो न्याय होगा। न्याय की अपनी परिभाषा में प्लेटो के द्वारा इसी बात को कहा गया और न्याय के दो पक्ष में भी इस बात को प्लेटो ने बतलाया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर प्लेटो के द्वारा न्याय की क्या विशेषता बतलाया गया। न्याय की विशेषता में
सबसे पहला है प्लेटो का कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करना जिस काम के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त है, विशेषज्ञ है और उस कार्य को करने में माहिर है। प्लेटो ने कहा कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में माहिर है उसके द्वारा केवल वही कार्य किया जाए और व्यक्तियों के इसका निर्माण व्यक्तियों के इस गुण के आधार पर उसका निर्माण वर्ग के रूप में हो जाएगा। यदि बुद्धि की प्रबलता है तो शासक वर्ग में, साहस की प्रबलता है तो सैनिक वर्ग में और तृष्णा की प्रबलता है तो वह उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा। कार्य विशेषीकरण का अर्थ है कि हर एक वर्ग अपना काम करे और किसी अन्य वर्ग के काम में हस्तक्षेप न करे तो यह कार्य विशेषीकरण कहलाता है। इसलिए कार्य विशेषीकरण के पूरक के रूप में इसने न्याय सिद्धांत की एक विशेषता अहस्तक्षेपवाद को भी बतलाया, अर्थात कोई वर्ग किसी अन्य वर्ग के काम में हस्तक्षेप न करे, प्रकृतिवाद का अनुसरण करे और जो काम के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त है केवल वही काम करे। अब इसके बाद प्लेटो के द्वारा न्याय का प्रयोग नैतिकता के अर्थ में किया गया। सामान्य रूप में वर्तमान में भी आप न्याय को कानून के रूप में देखते हैं, परंतु प्लेटो ने इसको अस्वीकार किया। इसने कहा कि न्याय का संबंध नैतिकता से है, न्याय का संबंध व्यक्ति के अंतर मन से है। कहा कि न्याय का संबंध व्यक्ति के अंतर मन से होता है। व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों के आधार पर ही अपने कर्तव्य का पालन करता है, इसलिए न्याय केवल कर्तव्य पालन की बात है। यह कर्तव्य पालन के ऊपर आधारित होगा। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया कि इसमें सामंजस्य एवं समन्वय भी पाया जाएगा। प्लेटो के द्वारा जिस न्याय सिद्धांत का यहाँ पर देखिए विवेचन किया गया, उसी न्याय के सिद्धांत के आधार पर प्लेटो के दो महत्वपूर्ण कथन आपकी परीक्षा में आते हैं और वह है कि न्याय अंतर मन की वस्तु है, न्याय अंतर मन की वस्तु है, न्याय अंतर मन की वस्तु है। यह कथन किसका है? एक स्टेटमेंट ये प्लेटो का और दूसरा आपको आता है कि राज व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह बात आपको पूछा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट प्लेटो के हैं और इसको समझाने के लिए प्लेटो के द्वारा एक ग्राफ का निर्माण किया गया और उसके माध्यम से उसने बतलाया कि आप प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण हैं ना उनका निवास होता है। जैसे बुद्धि का निवास मस्तिष्क में पाया जाता है, बुद्धि का निवास मस्तिष्क में है और बुद्धि का निवास मस्तिष्क में है और इसका कार्य नियंत्रण करना है और यह इसी के गुण जिसमें पाया जाता है वह शासक वर्ग का निर्माण करता है और शासक वर्ग का कार्य शासन करना है। और प्लेटो ने कहा कि इसमें सत्वगुण पाया जाएगा और एक धातु से जिसको स्पष्ट करते हैं वह है स्वर्ण धातु। इसलिए आपको आएगा स्वर्ण, तांबा और लोहा धातु का प्रयोग किसने किया? प्लेटो के द्वारा। ये तो पहला था। दूसरा है साहस। साहस का अनिवास होता है भुजा में,
उसका काम होता है रक्षा करना और उसके द्वारा समाज में बनता है सैनिक वर्ग और इसमें पाया जाता है रजोगुण और इसका काम होता है सुरक्षा करना और इसको उसने कहा तांबा। तीसरा गुण है जिसको तृष्णा या वासना कहा गया, इसका निवास होता है उदर में, इसका कार्य है उत्पादन करना और इसके द्वारा राज्य में निर्माण होता है उत्पादक वर्ग का, इसमें पाया जाता है तमोगुण और इसको उसने लौह धातु के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार से प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्याय को आंतरिक जगत की वस्तु बतलाया, कर्तव्य पालन तक इसको सीमित किया और इसका मानना था कि अगर हर एक व्यक्ति के द्वारा अपने गुणों के अनुरूप कर्तव्य का पालन किया जाता है तब समाज में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्लेटो के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना हेतु सर्वप्रथम न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। परंतु मित्रों, एक बात यहाँ समझना की आवश्यकता है कि प्लेटो ने न्याय का इतना विस्तृत विवेचन भले ही किया हो, परंतु न्याय का यह सिद्धांत कोई आलोचना से परे नहीं है। अनेक आधारों पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना का कई आधार है। सर्वप्रथम प्लेटो के द्वारा व्यक्तिगत न्याय और उसके अनुरूप सामाजिक न्याय का जो विवेचन किया उसमें गुणों को उसने आधार बनाया है, परंतु गुणों का कोई सर्वमान्य आधार नहीं है, कौन व्यक्ति किस वर्ग का निर्माण करेगा यह निर्धारण कौन करेगा, प्लेटो इसको बतलाया नहीं। और यदि मान लिया जाए कि यह निर्धारण दार्शनिक राजा करेगा तो पक्षपात होने की संभावना रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि एक बार इस बात को हम मान भी लें कि गुणों के निर्धारण का आधार बुद्धि, साहस और तृष्णा उपयुक्त होगा, तब भी एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति केवल बुद्धि तत्व या साहस तत्व या तृष्णा के आधार पर एक वर्ग का निर्माण केवल करते हुए खाली एक कार्य करता है तो अपने एक तिहाई गुण का ही उपयोग करता है, बाकी गुणों का कोई उपयोग नहीं रह जाता। अगले आलोचना का आधार यह है कि सेवाइन ने कहा कि प्लेटो का न्याय केवल कर्तव्य पालन तक सीमित है, यह वास्तव में न्याय नहीं है क्योंकि वर्तमान में न्याय को कानूनी अर्थ में देखा जाता है, जबकि प्लेटो के द्वारा न्याय को नैतिकता के अर्थ में बतलाया गया, इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है। कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेप भी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि सामंजस्य का निर्माण करना कठिन कार्य हो जाता है, इसलिए कई आधारों पर प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। बट आलोचना के बाद भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व यह है कि तत्कालीन यूनान में प्रचलित जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था उसको समाप्त करके एक आदर्श राज्य की स्थापना में प्लेटो का न्याय सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्याय सिद्धांत के क्रियान्वित करने के लिए प्लेटो के द्वारा दो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें एक सकारात्मक सिद्धांत है जिसको शिक्षा का सिद्धांत कहते हैं और एक नकारात्मक सिद्धांत है जिसको साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। फिलहाल हम लोग अपने न्याय सिद्धांत के आज के इस क्लास में केवल यहीं तक बात करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।